फाइनली रिकवर करता है मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये कैनॉट रेज इनफ कैपिटल टू फंड क्रेडिट ग्रोथ, क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, क्लियर ऑफ करता बैलेंस शीट को, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आता है, स्पीडर सेटलमेंट होता है और बेटर बार्गेन करता है बॉलर को, स्पेशलाइज होता है, ठीक है। रेज मनी करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, ये डिक्रिमिनलाइज करता है वेरियस ऑफेंसेस को, परमिट करता है एलएलपी को ताकि इशू कर सके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को। साइलेंट फीचर से क्या, एलएलपी क्या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है और लीगल एंटिटी सेपरेट होता है अपने पार्टनर से, और इसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से, ठीक है। अभी इसमें देख लो, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है इंडिविजुअल के बीच में, एटलीस्ट वन ऑफ देम रेसिडेंट इन इंडिया होता है, और ऑल द पार्टनर शैल बी द एजेंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर भी होगा, ठीक है। ठीक है, एलएलपी होता है अल्टरनेटिव कोऑपरेटिव बिजनेस व्हीकल है, ठीक है। हाईकोर्ट अपहोल्ड अरेस्ट प्रोविजन सीजीएसटी सेक्शन 69 में क्या बोला, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, और इसमें आर्टिकल 264 ए है जो कंस्टिट्यूशन में है, पार्टिकल पर्सन जिसका सीजीएसटी में वो अरेस्ट तभी कर सकते जब अमाउंट ऑफ टैक्स इवन क्या 2 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, और 5 करोड़ से ज्यादा कम, 5 करोड़ से कम के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। 2 करोड़ ज्यादा पेंडेंट करते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा पर नॉन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग अंडर जीएसटी एक्ट होता है एक्सनेबल क्लेम, इसलिए जीएसटी लेवाई ऑफ जीएसटी और लेवटी डज नॉट अमाउंट टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। लॉटरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन, ये फिर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये हो गया जीएसटी का, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो जीएसटी फेस्ट इनवॉइस का केस चल रहा है, जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी रेवेन्यू ऑफ ईच स्टेट 14% का ग्रो करेगा, अमाउंट कलेक्टेड 2015 मतलब 2015-16 से स्टार्ट करेंगे और हर परसेंट 14% बढ़ेगा, अगर शॉर्ट होल होता है तो उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अमाउंट वुड बी पेड एवरी 2 मंथ बेस्ड ऑन द प्रोविजनल अकाउंट एंड रजिस्टर एवरी ईयर आफ्टर द स्टेट अकाउंट वेयर ऑडिटेड बाय द सीएजी, ये मतलब सीएजी के अकाउंट में, ठीक है। 5 साल तक वैलिड होता है जनवरी जून 2022 तक, ठीक है। कंपनसेशन सेस फंड होता है इसके लिए, ठीक है। ऑफ बोरिंग बोरिंग ऑफ बजट बोरिंग सच बोरिंग का होता है फाइंड फॉर द सेंटर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर के लिए होता है, जबकि डेप्ट ऑफ द बुक को, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल मतलब क्या होता है कि जो बुक सीट बनी है वो होता है, ये कैसे होता है जब कोई पब्लिक सेक्टर डायरेक्ट बिलो होता है भाई, अनदर पब्लिक सेक्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, इसलिए उसको नेशनल फिजिकल डिपोजिट के अंदर नहीं काउंट करते, ठीक है। ऑफ बजट नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होता है जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्पेंडिंग होता है, ऑफ बजट का रेवेन्यू स्पेंडिंग फॉर फर्टिलाइजर हो गया, फूड सब्सिडी का, ठीक है। कैपिटल स्पेंडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प मतलब इसे भी यूज करता है, IFC होगा जो बोरो करता है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर जो पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग कहता है सिक्योर्ड इंटर बैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट और डिफरेंस रेट होता है, ठीक है। बोरोइंग एंड लेंड फ्रॉम अदर वन अनदर से होता है, ठीक है। बेस्ट ऑन द ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट के लिए होता है, ठीक है। रेपो रेट हो गया, ठीक है। अब एसेट अंडर मेजरमेंट आम ये तो कहता है, ये मेजर करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एसेट जो कि फाइनेंशियल जो मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स डेमोस्ट्रेटिव पे, ये साइज और सिक्योर करता है गिवन फंड हाउस को, ठीक है। अभी देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC, ये रेस्ट्रिक्ट यूज करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो कि डिस्चार्ज करता है जीएसटी लाइबिलिटी को 99% में, और एटलीस्ट 1% ऑफ द जीएसटी लाइबिलिटी मैंडेटरी पे करता है, ठीक है। पेड करता है मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स हो गया, रिफंड करता है अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख को, ठीक है। अभी रेस्टल के मिस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट को रोकता है ये और इफेक्ट करता है स्मॉल बिजनेस हाउस को, ठीक है। व्हाट इज इनकम टैक्स क्रेडिट, इन टैक्स होता है जो कि बिजनेस पे करता है परचेज पे, और ये टैक्स क्रेडिट कब होता है जबकि मींस होता है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स एट द इनपुट मतलब पेंग टैक्स के हिसाब से एक्सेप्शन एक्सेप्शन का तो बिजनेस जो कि अंडर कंपनसेशन स्कीम कैनॉट बी अवेल इनपुट टैक्स के लिए नहीं कर सकते हैं, बिजनेस अंडर कंपनसेशन स्कीम कैनॉट अवेल इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। वॉटर स्पेशल टाइप्स ऑफ जीरो कूपन कहते हैं नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नॉन ट्रांसफरेबल स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि इसका मेच्योरिटी 10 से 15 साल होता है, और ये इशू स्पेसिफिकली तो पंजाब और सिंध के द्वारा होता है, ठीक है। बैंक के द्वारा ये काउंटर होता है फेस बैंक, ठीक है। निगेटिव इल्ड बोल्ड चाइना ने सोल्ड किया निगेटिव बोल्ड जब मेजोरिटी अमाउंट लोअर देन परचेज प्राइस ऑफ बोल्ड, इसलिए हम इसको बेचते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ निगेटिव कैन कम आउट अहेड होता है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इल्ड देख लो पता ही तुम्हें, बॉन्ड प्राइस मूव होता है इनवर्सली विद यील्ड के साथ और ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर द की फैक्टर्स ड्राइविंग दिस डिमांड टुडे, लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, टेम्पररी पार करते हैं, मनी को हेजिंग करते हैं, रिस्क प्रोफाइल को इक्विटी में, ठीक है। 81 बॉन्ड ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है, ऑनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है। मिनिमम अलॉटमेंट साइज और ट्रेडिंग लॉट साइज कितना 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। बैसा सिर्फ फ्रेमवर्क बताया जो कि CET मतलब कॉमन इक्विटी के लिए है, और डिजिटल कैपिटल है कि 81 के बॉन्ड क्या होता है, इस अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड होता है जो कि बैंक इशू करता है ताकि ये 16% कैपिटल कोर कैपिटल बेस को, ठीक है। इसका हायर रेट होता है, इसका मेच्योरिटी डेट कुछ भी नहीं होता, और ये कॉल बैक हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लो इशूइंग बैंक हैज अ डिग्रेशन टू स्किप कूपन बैंड को कर सकता है, दूसरी बात बैंक के पास मेंटेन करता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 ऑफ रेशियो 5.5%, ठीक है। क्वाजी इक्विटी होता है, ठीक है। डिफरेंसबिली CET और डिजिटल कैपिटल, CET का इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक होता है, और 81 का नेचर ऑफ द डेट स्कीम मतलब CET इक्विटी होगा, 81 डेट स्कीम, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस के पास 111 लाख करोड़ का रेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बनाएगा जो कि इन्हांस करे क्रेडिट रेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है।
फीचर ऑफ डेवलपमेंट महंगी है, कहता है लोअर स्टेबल ये कहता है, और ये लेट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसमें सोशल बेनिफिट भी होता है, ठीक है। टैक्स इंसेंटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट के लिए होता है। वर्ल्ड बैंक प्रॉम्प्ट करता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, ICICI वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, ठीक है। पॉन्जी स्कीम कहता है पेज प्रॉफिट टू अर्ली इन्वेस्टर विद फंड फ्रॉम रिसेंट, मतलब पुराने वाले को देना है नए वाले से पैसे लेके, ठीक है। प्रोविजन क्या कहता है, सब्सेशन बैंडिंग होता है जिसमें बैंक बैंक डिपोजिट का होता है, और क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन सेंट्रल डेटाबेस बनाना, ठीक है। देखो इसमें देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस जरिए कहता है तुमको नॉट डिपोजिट टेकिंग NBFC है, और मिनिमम नेट ऑन फंड होता है जिसमें 5 करोड़ तक होता है, ठीक है। 85% अब टोटल नेट एसेट क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट कैटेगरी में आता है, और एक्सक्लूड करता है कैश को और बैंक बैलेंस को और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, तुमको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूजेस, मतलब कुछ देर वेट करके इसके बाद उसको यूज करो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म, इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ने क्या बोला था कि ऑनरशिप गाइडलाइन दिया था और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसका क्या होगा तुमको अगला, क्या तुमको टर्म ऑफ रेफरेंस देख लो, रिव्यू हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, रिव्यू ऑफ नॉर्म्स फॉर लोकल टर्म्स होने के लिए, ठीक है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO ऑन टैप, टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है LTRO से TLRO से, और 1 लाख करोड़ का फंड है, 1 साल से लेकर 3 साल तक मनी टू बैंक होता है प्रिवेलिंग रेपो रेट पर, ठीक है। अब इसमें देख लो ये 1 से 28 दिन तक होता है MSF, और LTRO सप्लाई करता है 1 से 3 साल के लिए, ठीक है। MSF का मिनी सेकंड 1 से 28 दिन हो गया, LTRO बताई जा रही है। प्रिवेंट करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को बैंक में, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड कब होता है, जब लो रेट पर रखते हैं और कॉस्ट को, ठीक है। रिड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरो, रिड्यूस करता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग के लिए, ठीक है। RBI रिलाई नहीं करता रिवाइजिंग रेपो रेट पर, कॉन्ट्रैक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनिटरी पॉलिसी भी, ठीक है। और ये ओवरनाइट होता है बाई डिपिंग स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है। SLR में डिप करके वो करता है, ठीक है। एमएससी जैसे बिहेव करता है, पेनल रेट होता है जिस पर बैंक मनी बोरो करता है RBI से, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है, या क्वांटिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स है, ठीक है। RBI दो तरह के वो में करते हैं, आउटर परचेज PMO बोलते हैं इसको परमानेंट होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट ये शॉर्ट टर्म है और सब्जेक्टेड टू रीपरचेज ऑपरेशन ट्विस्ट। RBI के साइमल्टेनियस सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और बाइंग ऑफ, मतलब शॉर्ट टर्म बेचो लॉन्ग टर्म खरीदो, ये थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ब्रिंग डाउन करता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को और बोलस्टर करता है शॉर्ट टर्म रेट को, ठीक है। अभी देखो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द बॉन्ड प्राइस के लिए और यील्ड के लिए, ठीक है। बॉन्ड यील्ड कब होता है, जब तुमको विथ एन इंक्रीज इन प्राइस के लिए करता है लोअर लोअर लॉन्ग रेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, ये करता है पीपल इवेल करते हैं लॉन्ग टर्म लोन को, डिप इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए करता है, ठीक है। रिटेल लोन, रिटेल लोन का होता है जो चीपर हो जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देख लो, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्नॉलेज करता है गवर्नमेंट को डेब्ट ऑब्लिगेशन को, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल्स होता है, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट या फिर डेट बिल। देखो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेजरी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट या बोलते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इशू बॉन्ड बॉन्ड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये रिस्क फ्री गिल्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और FPI क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसेस, डिमांड सप्लाई हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, अदर मार्केट कंडीशन होगा, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में क्या चला और RBI ये सब चल रहा है, ठीक है। सेस क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ टैक्स लिविड और कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट होता है, फॉर डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस या फिर सेक्टर के लिए होता है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए तो डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है। डिस्चार्ज ओवर एंड ओवर द एग्जिस्टिंग चार्ज करता है, और सारे टैक्स का कंसोलिडेटेड फंड में दिया जाता है, और सेस जो है तो CFI में जाते तो है बट उसको उसी पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अमाउंट गेट्स कैरी ओवर द नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैरी ओवर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं कॉज के लिए, ठीक है। याद रखना कैलकुलेटर पेएबल टैक्स पर होता है ना कि इनकम, पेएबल टैक्स पर होता है ना कि इनकम जनरेटर पर होता है, और इसलिए सरचार्ज ऑफ 10% मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट ऑफ 30% इफेक्टिवली रेज द टैक्स 33% कर देते हैं, ठीक है। तो टैक्स पे भी होता है, ठीक है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट प्रोटेक्शन क्या होता है, बॉल्ट बॉट एंड सोल्ड होता है, वन पार्टी एग्री करता है टू पे अनदर पार्टी प्रेडिक्ट फिक्स पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर रिसीविंग क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन के लिए वो करता है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू करता है रजिस्टर्ड फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टर को, ठीक है। सेबी इसको मैनेज करता है, ठीक है। पी नोट्स, पी नोट्स कहता है तुमको ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। पी नोट्स होल्डर ये कहता है एंजॉय नहीं करता, डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट होता है रिलेशन में लिए, एनोनिमस नेचर ऑफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अभी देखो सिंस गुड एंड सिंटैक्स, ठीक है तुमको सिंस गुड क्या था, गुड्स होता है जो कि कंसिडर हार्मफुल टू सोसाइटी होता है, जिसमें टोबैको कैंडीज ड्रग्स सॉफ्ट ड्रिंक्स फास्ट फूड सब आता है, ठीक है। सिगरेट पान से रिलेटेड ड्रिंक्स के एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट प्रॉफिट या फिर सरप्लस को दिखाता है, ठीक है। अमाउंट कहाँ से रिटेन करते हैं RBI में, ठीक है। करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूशन अकाउंट CGRA ये तुमको मेंटेन कौन करता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ टू टेक केयर ऑफ करेंसी रिस्क के लिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए करता है, मूवमेंट इन गोल्ड प्राइस होता है, ठीक है। बफर अगेंस्ट एक्सचेंज रेट या फिर गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए होता है, ठीक है। अभी देख लो
फॉरेन डेटा सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट रिवेल्यूशन अकाउंट फॉरेन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटी IRAF 5 मतलब रिवेल्यूशन के लिए यूज करते हैं ठीक है। IRAF R5 मतलब ठीक है। प्रियोरिटी सेक्टर के लिए देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडियन स्टार्टअप के लिए यूज करता है डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री के लिए होता है ठीक है। 40% नेट बैंकिंग क्रेडिट दिया कहा जाता है प्रियोरिटी सेक्टर एडवांस भी आ जाए 18% का आना चाहिए एग्रीकल्चर एडवांस के लिए जाना 7.5% ANBC अभी क्रेडिट इक्विवेलेंट के लिए जाना ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कौन सा एग्रीकल्चर MSME एक्सपोर्ट एजुकेशन हाउसिंग रिन्यूबल और अदर होता है ठीक है। प्रियोरिटी सेक्टर लेने क्या होता है तो परचेज ऑफ डिजिटमेंट शॉर्टफिल के यूज होता है ठीक है। पेमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये कहता है डिजिटल पेमेंट होता है इंकरेज करता है एक बार को डिप्लाई करना पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और टीयर 3 या टीयर 6 या नॉर्थ सीजन मतलब यहाँ सेटअप बनाने के लिए हम टैक्स लेते हैं उनसे ठीक है। इनिशियल कंट्रीब्यूशन का तो 250 करोड़ का होता है कवरिंग हाफ ऑफ द फंड होता है और ये कार्ड इशूइंग बैंक या फिर कार्ड नेटवर्किंग ऑपरेटिंग के लिए होता है ठीक है। ये हो गया एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड इस पर देता है राइट इशू देख लो ऑफरिंग ऑफ शेयर होता है ताकि ये मेड टू शेयर एग्जिट शेयर ठीक है। डिस्काउंट होना चाहिए मार्केट प्राइस पे रेज करना है कैपिटल को विदाउट इंक्रीजिंग डेप्ट के लिए ठीक है। ऑब्लिगेटेड होना चाहिए परचेज सेल के लिए ठीक है। अभी देखो अप्रूवल फ्रॉम दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सफिशिएंट और इंटीग्रेट होना चाहिए टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए फॉर रेजिंग दिस कैपिटल शॉर्ट होना चाहिए ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट BR ये कहता है ब्रिंग करता है कॉपरेटिव बैंक और सुपरविजर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजन एप्लीकेबल उसको देखता है और स्कीम ऑफ एमलगमेशन होता है रेज करता है मनी को चेंज विल नॉट एग्जिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं करेगा और PSE प्राइमरी एग्रीकल्चर को भी फर्क नहीं करेगा ठीक है। अभी देख लो कॉपरेटिव बैंक ये देखो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है जो कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक की बात है और रिटेल करता है अंडर अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म के हिसाब से करता है सुपरसीड करता है बैंक बोर्ड को और चीफ एग्जीक्यूटिव को ठीक है। डुअल कंट्री में रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी को RBI को RBI रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेगुलेटरी फंक्शन के लिए होता है ठीक है। अभी देखो कस्टमर ऑफ कस्टमर का स्कॉर होते हैं बैंकिंग लाइस में लागू होता है और मार्च 1966 से स्टार्ट 3 इंश्योर LIC होगा GIC न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन होगा ठीक है। डोमेस्टिक LIC सिस्टम के लिए इंपोर्टेंट बैंक जो ठीक है। इंश्योर रेगुलेटर और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। इंश्योर ऑफ सर्च साइज मार्केट रिपोर्ट है डोमेस्टिक ग्लोबल की जिसके डिजिटेस या फिर फैनर वुड कॉज अ सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर उसको बोलते हैं ठीक है। इसको टू बिग या फिर टू इंपोर्टेंट बोलता है फील्ड के लिए ठीक है। AI क्या है तो डेवलप करता है मेट्रोलॉजी को ताकि आइडेंटिफिकेशन डिस्टिस को साइज ऑफ ऑर्डर को देखते हैं ग्लोबल एक्टिविटी को देखते हैं ठीक है। लेवरेज रेशियो फॉर बैंक क्वार्टर एंड बेसिस पे करते हैं। लेवरेज रेशियो का डिफाइंड है कैपिटल मेजर होता है जो डिफाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर से होता है एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। लेवरेज रेशियो क्या होता है मेजर करता है बैंक के कोर कैपिटल को ताकि टोटल इशू का Tier 1 एसेट में क्या कहते हैं दैट कैन बी इजिली लिक्विडेटेड इफ द बैंक नीड्स कैपिटल इन द इवेंट ऑफ द फाइनेंशियल इश्यू ठीक है। टीयर बैंक वही होता है जो इजिली लिक्विडेट कर सके ठीक है। हायर द Tier 1 लिवरेज हायर द लाइक्लीहुड ऑफ बैंक मतलब जितना ज्यादा Tier 1 होता है ज्यादा झेल जाएगा ठीक है। सेंट्रल मल्टी अथॉरिटी होता है लेवरेज करते हैं इसके बेस कैपिटल बेस को ठीक है। अभी देखो बेस्ट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टर्म्स और कंडीशन होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लागू होता है ठीक है। नंबर ऑफ गारंटी होता है जो कि इसमें क्या क्या होता है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम अप्रोप्रिएशन फंड ट्रांसफर फुल ट्रांसफर मीन फुल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ISD हो गया इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हो गया जो कि अपडेट करते मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर हो गया। IAS क्या था हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ठीक है। एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस सुपरविजन हो गया ठीक है। अभी देख लो इफ्स का क्या रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब बिजनेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा ठीक है। विद इन द IFSC के अंदर होता है जो कि गिफ्ट सिटी में है एंटिटीज ऑपरेटिंग इन कैपिटल मार्केट बैंक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेल भी गारंटेड सर्टन फैसिलिटी ताकि स्टूडेंट कर सके इनोवेटिव फिनटेक सर्विस मतलब कोई नया प्रोडक्ट को आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ये देख लो स्टेशनरी बॉडी जो कि 2020 में स्टार्ट कर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था गांधीनगर गुजरात में डेवलपमेंट एंड रेगुलेट करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को फाइनेंशियल सर्विस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ठीक है। एक्सरसाइज करते पावर्स ऑफ RBI से भी EDI होगा ठीक है। चेयर पर्सन और एक पर्सन होता है ईच ऑफ द नॉमिनेटर ऑफ RBI से भी IIDA पेंशन रिवॉर्ड PFRD और दो मेंबर होते हैं नॉमिनेटर बाय मतलब इस सब एक एक होता है और ये दो मेंबर उसको ठीक है। 3 साल का टर्म होता है इसका ठीक है। रिक्वायरमेंट करते हैं IFSC का था कैटर करता है कस्टमर्स आउटसाइड रिजर्वेशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री के बाहर होता है लंदन न्यूयॉर्क सिंगापुर में भी और यहाँ भी आएगा ठीक है। सर्विस क्या क्या फंड रेजिंग सर्विस हो गया वेल्थ मैनेजमेंट ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट क्रॉस बॉर्डर टैक्स हो गया रिस्क मैनेज ऑपरेशन होगा ठीक है। ACG एक्ट 2005 में और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटीज गिफ्ट सिटी होगा ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया एरिया जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड डिफिकल्ट होता है ठीक है। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस होता है प्रमोशन इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है। एजेंसी फॉर मिनिमम अल्टरनेट एक्स वो होता है ठीक है।
टेपर टर्नर पर 2013 का कलेक्टर भी डिएक्शन रिस्पॉन्स में जो कि ट्रिगर करता है स्पाइक इन यूएस यील्ड। करंट अकाउंट का था नेट ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज या फिर नेट अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट नेट ट्रांसफर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली एक ईयर में या फिर क्वार्टर के बाद होती है। इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है, ठीक है, कंपेटिटिवनेस को शो करता है, ठीक है। करेंट अकाउंट का था सरप्लस इंप्लॉयज हाई इन्फ्लो ऑफ फॉरेक्स नॉन इन्फ्लो, ठीक है। अब मतलब इन्फ्लो ज्यादा आता है और आउटफ्लो कम हो रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट का तो तुमको लाइन ऑफ क्रेडिट का तो विल फंड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का सॉफ्ट लोन होता है जो प्रोवाइड होता है कंसेशनल इंटरनेशनल पर, ठीक है। प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल इंडियन गुड सर्विस को, ठीक है। ऑल एनजीओ सीकिंग फॉरेन डोनेशन, ऑल एनजीओ सीकिंग फॉरेन डोनेशन, ये कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच होता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020, ये कहता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के लिए होता है, रेगुलेट करता है सेप्टेस और रेगुलेशन को, ठीक है। गिफ्ट मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन को सही करता है, सोशल प्रोग्राम और मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट होता है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द बिल पब्लिक सर्वेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया 20% पे होता है, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर आधार कार्ड को मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन कर दिया, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सार्क कंट्रीज के लिए था 2022 तक, ठीक है। कोई भी थर्ड कंट्री करेंसी का यूज नहीं करता, एक्सचेंज रिलेशन को सही करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस को सही करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर फॉरेन एंट्री के लिए करता है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। फॉरेन रिजर्व एक्सटर्नल एसेट होता है जो कि फॉर्म ऑफ गोल्ड और एसडीआर में होता है, स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स में फॉरेन करेंट एक्सेट के लिए करता है, कॉन्फिडेंस लाता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखता है, कुशन कुशन को देखता है, स्ट्रेंथन करता है डॉलर को, ठीक है। आरबीआई 1934 में स्पेशल ड्राइंग राइट इंटरेस्ट बेरिंग इंटरनेशनल रिजर्व, मतलब इसमें इंटरेस्ट मिलता है। पहली बात इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है जो कि रेटेड बाय आईएमएफ होता है, इसमें यूएस डॉलर जापान येन यूरो पाउंड स्टर्लिंग चाइनीज रेनमिन सबका वो होता है, ठीक है। पोटेंशियली क्लेम होता है फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ पे चलता है और वैल्यू क्या था डेली डिस्पेंड करता है आईएमएफ होता है, ठीक है। एसडीआर एसडीआर क्या करता है सर्व करता है यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ और सम अदर इंटरनेशनल उसके लिए करते हैं, ठीक है। अब आगे उसका बाद में करेंगे।